अस्सलाम वालेकुम, मैं मुरसलीन। वेलकम मुरसलीन ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल। अज असी रिव्यू करांगे ट्रैक्टर फीएट 85 हार्स पावर चा और फीएट 640 2005 मॉडल आ। इहदा पंप वगैरह देख लो, डीजल पंप आ और डेल्फी एच आ इहदा पंप। पिछले टायर ट्रैक्टर तो बिल्कुल न्यू ने, 0/16 ने जिन्हों कहिंदे ने, बिल्कुल न्यू टायर ने और जनरल दे टायर ने। दे इंडीकेटर वगैरह देख लो, मॉडीगार्ड भी ठीक ने। ट्रैक्टर नूं काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। बैक साइड तो लैंका वगैरह थानू मैं दिखा रहा, लैंका वगैरह का कोई इशू नहीं, कोई टुटिया या नहीं ने। गोडे वगैरह भी हाले तक ठीक ने, बिल्कुल कोई टुटे हुए नहीं है। ड्रम वगैरह देख लो, ट्रैक्टर इस्तेमाल भी किया गया तो धुप्पते भी खड़ा किया गया ट्रैक्टर, इस वजह तो रंग वगैरह उड्या आ, लेकिन ट्रैक्टर का कोई नुकसान वगैरह नहीं होया। देख सकते हो माडी गार्डा ने साइडा तो जो सुराख ने छत वगैरह दे तलाई रखी आ, तो मालकान ने सेल करन तो पहले छत जी ला दी आ। दूसरी साइड का रिम वगैरह आ गया, देख लो रंग रिम का भी ठीक खड़ा, शो का रंग भी तकरीबन ठीक ही खड़ा है। गेयर बक्से वाली जगह आ गई, देख सकते हो कोई रीपेंट वगैरह नहीं किया गया। चेसी का रंग भी बिल्कुल जेनुअन खड़ा है। डैशबोर्ड भी देख सकते हो, ट्रैक्टर सेल्फ स्टार्ट है तो आ शो आ गई है। चेसी वगैरह देख सकते हो, इहदा जिहड़ा प्रैशर आ ना वो भी बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं। प्रैशर इच भी दोनों साइडां ते सही कटाई करदा। तो अगले टायर जिहड़े आ वो पूरे सारे ने जनरल या पैंथर, दोनों कंपनियां दे ने, कोई होर ही कंपनी दे ने। शो वगैरह रंग तुसीं देख लिया, जनरेटर वगैरह बिल्कुल ठीक काम करदा ट्रैक्टर ते, एक रुपया नहीं लगन वाला। को माड़े मोटे तो होंगे या सर्विस वगैरह बदलनी पैंती, वो एक अलग मसला है। ओल्ड मॉडल होंगे ने, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होंगे ने, इन्हों की पावर काफ़ी अच्छी होंगी है। इस ट्रैक्टर के टायर वगैरह तुम देख सकते हो, रिम भी चैक कर लो, रिमां पर भी कोई मतलब टुटे हुए नहीं है। अगली साइड का बोनट आ गया, जाली वगैरह लगी आ, फ्रंट लाइटा भी चल दी साइडा पर, मतलब स्पेयर लाइटा उन्होंने खुद लवाइया, देख सकते हो तुम। और इस ट्रैक्टर नूं 18 नंबर के टायर भी पै जाते हैं और इंडियन टायर वड्डे साइज के भी पै जाते हैं। हालांकि इहदा रिम दूसरे ट्रैक्टर 75 हार्स पावर के रिम नाल वड्डा थोड़ा जिहा हुंदा, टायर भी इहनूं वड्डा पैंदा। मैसी जिहड़ा 385 नूं टायर पैंदा, वह 85 हार्स पावर नूं ट्रैक्टर नूं टायर पैंदा। लेकिन इन्नी मार्केट नहीं हुई इस ट्रैक्टर की काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जिहड़े 75 HP ट्रैक्टर होंदे ने फीएट दे, उहदी मार्केट ज़्यादा, इस वजह तो इहदी कीमत थोड़ी जी नॉर्मल आ। फिर भी मतलब मौके पर काम की जा सकती है। इस ट्रैक्टर का जिते खड़ा उहदा एड्रैस मैं थोड़ा दे दिना, उहदा एड्रैस आ 42 मोड़ा नाल अहमदपुर शरकिया लगता, अहमदपुर शरकिया थोड़ा मैं पहले भी दस्या आ। शाही वाला भी तुम अगर नैट पर सर्च करोगे थोड़ा शाही वाला मिल जाएगा, शाही वाले नाल ही 42 मोड़ आ, तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर नाल ही दूर दूर आ 42 अड्डा, उत्थे ट्रैक्टर खड़ा। तो इन्हू जी तहसील लगती है वो मंडी जजमान आ, मंडी जजमान, और जो ज़िला लगता वह बहावलपुरा। फिर थानू क्लीयर कर दिना, जो ट्रैक्टर किस्तां ते मैं थानू दसना ना कि ट्रैक्टर किस्तां ते मिलते, वह बहावलपुर की तहसील इच या बहावलपुर के इलाके मिलते ने, दूर दराज इलाके नहीं मिलते क्योंकि लोग पैसे नहीं देंदे, अगू नखरे करते हैं। इस वजह पठान फिर बाहर का ना सुनते ही नस जाते हैं। तो थानू नैट कैश ट्रैक्टर 7 लाख का मिलेगा, किस्तान तकरीबन 7-9.5 लाख का तकरीबन ट्रैक्टर मिल जाएगा किस्तान पर। अगर तुम इतों कितों वीडियो देख रहे हो, 9.5 तक तकरीबन ट्रैक्टर बन जाएगा किस्तान पर, वो भी थोड़ा एडवांस कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया देना पेगा, बाकी थोड़ा किस्तान करनिया पैणगियां, 2 साल दियाँ चाहे करो या 2.5 साल दी करो, वो किस्तान पर करता। जो तुम 2 किस्तां करनिया या 3 करनिया या 4 करनिया, वो थोड़ा मतलब आ, ट्रैक्टर एक किस्तां ते ही मिल जाएगा। आए ड्रम वगैरह भी देख लो, ड्रम वगैरह बिल्कुल ओके खड़े, ट्रैक्टर बंपर टू बंपर जैनवन खड़ा। सिर्फ ए या ट्रैक्टर इस्तेमाल किया गया, लेकिन धुप वगैरह तो खड़ा किया गया। तो हालांकि 5 मॉडल ट्रैक्टर साफ सुथरा होना चाहिए सी, तो ट्रैक्टर धुप ते खड़ा कर करके शो की मत मारी गई है। जो भी किया गया टायर ये इंडियन टायर आ, वड्डे टायर जनरल दे पाए गए आ, तो काफ़ी अच्छी हालत है ट्रैक्टर खड़ा। सीट वगैरह भी थानू मैं दिखा दी दोबारा, तो मैं थानू मतलब यदि पत्री वगैरह भी लगी है जिद्दे ते नंबर लगता, पत्री सिर्फ जस्ट पत्री जी 40-50 हज़ार की लभदी है। अगर तुम यही वीडियो मेरी फेसबुक पेज पर देख रहे हो
मुरसलीन ट्रैक्टर यूट्यूब तो अगर सर्च करोगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा। तो वो मुख्तलिफ किस्म के ट्रैक्टर मिल जाते, अक्सर ट्रैक्टर सेल हो जाते, अक्सर सेल नहीं भी हुए होंगे। तो अगर कोई थोड़ा ट्रैक्टर पसंद आया तो वीडियो के नंबर दिता हों तो रबता कर सकते हो। यदा एड्रैस वगैरह मैं थोड़ा दे दिता, नंबर मैं नहीं दे सकता। अगर तुसी मेरे को सवाल वगैरह करना चाहते हो नीचे कमेंट कर सकते हो। उस तो अलावा कोई होर मतलब गलबात पूछना चाहते हो तो मेरा नंबर आ 0305-6648-988। ये मेरा वट्सएप नंबर आ, ऑन नहीं होंदा। ये ते वट्सएप करके मैं मैसेज कर सकते हो, जड़ी गल है मेरे को पूछ सकते हो तुसी। ते बाकी सारा ट्रैक्टर थोड़ा मैं दिखा दिता, पंप वगैरह भी थोड़ा दिखा दिता, कलर वगैरह ओरिजिनल खलोता, कोई कलर वगैरह दोबारा नहीं किया गया ट्रैक्टर ते। टोटल बंपर टू बंपर ट्रैक्टर जैनुइन हालत है खड़ा, जो भी है थोड़े सामने ही है देख सकते हो। रेगुलेटर भी बिल्कुल ठीक है, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं 85 HP, लेकिन मार्केट ज़्यादा जी 75 HP की है। सलफ यदा चेंज किया गया, सलफ सामने तो नज़र आ रहा ना, सलफ इन छोटा लगाया गया। ये जरा 19 प्लेट की बैटरी तो ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता, क्योंकि यह सलफ छोटा होंगे, करंट थोड़ा चाहिए होंगे, गेड़ा बहुता दिता। लेकिन आ देख सकते हो रंग बिल्कुल जैनुअन खड़ा है। ट्रैक्टर ने सिर्फ नहला के शोरूम तक खड़ा कर दिया गया। असैम्बली वगैरह देख सकते हो, असैम्बली वही पुरानी असैम्बली लगी है। गेयर बक्सा भी बिल्कुल ठीक है, कोई काम वगैरह नहीं ट्रैक्टर का होने वाला। तो जे नवे मॉडल 2020 आ रहे असैम्बली चेंज आ। हूँ वीडियो का एंड करने, मिलते हैं किसी नैक्सट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।